अस्सलाम वालेकुम बहनों, एक स्मॉल अपडेट आप लोगों के साथ। आप लोग कैसी हैं? आपका भाई आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है, स्पेशली आप लोगों के लिए। और हम एक यू नो सपोर्ट ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जो कि हेल्दी लाइफ चॉइसेस को प्रमोट कर सके। बहन देखें, मैंने ये मंगवाया है किसी से, सिंगापुरियन कोकोनट ऑयल है जो कि बेसिकली एक्चुअल है मलेशियन ब्रांड, जो कि फॉर ईटिंग पर्पज़ है। मार्केट में जो कोकोनट ऑयल मिलता है ईटिंग पर्पज़, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, मूवी तौर पे 2,000-2,500 रुपए किलो होता है, जो नॉर्मल लोगों की रेंज से बाहर होता है। ये वो ब्रांड है जो कि अगर आप लोग बड़ी क्वांटिटी में मंगाएं तो सस्ता पड़ता है आप लोगों को। ख़ास के जैसे ये तकरीबन 18 लीटर का ये ड्रम है, और मुझे पता है कि मुझे खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए, फ्राई के लिए ऑयल चाहिए, दूसरी चीज़ों के लिए ऑयल चाहिए, फैट बॉम्ब्स के लिए ऑयल चाहिए, यू नो लाइक यू नेम इट, और मुझे ऑयल चाहिए जी। ठीक है, तो मैं प्रमोट करता हूँ मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ ऑयल, लेकिन फॉर जो लिक्विड ऑयल होता है उसके अंदर कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल, क्योंकि जो इसका मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल या एज़ कम्पेयर टू आपका पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जैसे ईवा बना कुकिंग ऑयल वगैरह है, इस तरह का कनोला कुकिंग ऑयल है, सोया सुप्रीम है, वो तो बिल्कुल बंद कर देने आप लोगों ने। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करें, और वो बहनें जो चाह रही हैं अगले 3-4 महीने अच्छे से डाइट करना, तो वो ऑयल को तो जो कुकिंग ऑयल है उसको तो बाहर का रास्ता दिखाएं, और इस तरह के बड़े डिब्बे जी खरीद लें कोकोनट ऑयल के, और अच्छे से इस्तेमाल करें अपने खाने में और मुख्तलिफ रेसिपीज़ में जो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और इस तरीके से हम लोग इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी, और ये हमें लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा। ये तकरीबन मैंने इसकी सील तोड़ दी है, और ये निशानी है कि इट्स अ प्रॉपर कोकोनट ऑयल जो कि ईटिंग के लिए सूटेबल है। तो आप लोग भी मेक श्योर के कोकोनट ऑयल के नाम पे कोई जहरीली चीज़ मत लेके आए, क्योंकि अमूमी तौर पे ये बहुत गंदे संदे कोकोनट और कीड़े मकौड़ों के साथ निकाल रहे होते हैं जो मिल रहे होते हैं। मेक श्योर कि या तो आप अपना तेल निकलवाएं, या अगर आप अपना तेल निकलवा रही हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा स्मेल का इशू होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है। तो चले फिर इंशाल्लाह ताला आप अपनी जो ओपिनियन है उसको भी शेयर कीजिएगा इस ग्रुप के अंदर, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आता रहूं। जज़ाकअल्लाह। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।